हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का लेट्स गेट क्रिएटिव में। मैं कामिनी गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि लेट्स गेट क्रिएटिव पर आपको मैं सीटेट हिंदी की तैयारी करा रही हूँ, जिसमें मैं इस टाइम आपको प्रैक्टिस सेट कराती हूँ। तो आज मैंने एक प्रैक्टिस सेट लिया है, बहुत ही अच्छा है, जिसमें आपको पेडागोजी के क्वेश्चन साथ के साथ गद्यांश पद्यांश भी मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बार कहना चाहूंगी कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट आपको लगती है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लिंक को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि उन सबको भी लाभ मिल सके। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आता हुआ, हेलो आकाश, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं। तो आज का जो टाइम है मेरा चेंज हो गया है, 3 बजे की क्लास 3 बजे से स्टार्ट हुआ है। और दिन मेरी 4 बजे से क्लासेस होती थी। कुछ टाइम के लिए जो टाइम रहेगा मेरा, वो 3 बजे का ही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने, जल्दी से देखें और बताएं किस तरीके से है इसका आंसर। चलिए, पहला प्रश्न क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या? विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रभाव, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं इस प्रश्न का सही जवाब। प्राथमिक स्तर के बारे में पूछा है, तो अच्छे से सोच समझकर जवाब दीजिए क्या है इसका आंसर। आंसर प्लीज, जो भी क्लास में तभी आंसर दें। देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है। प्राथमिक स्तर तो आप जानते हैं ना, कौन सा स्तर होता है, जिसने बच्चा 1 to 5 तक के शामिल होते हैं। ठीक है, वहां पर पूछा है कि पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। क्या उन्हें विराम चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए? क्या पढ़ने में प्रभाव, पढ़ने की जो गति है उसके बारे में पता होना चाहिए, या अर्थ का निर्माण, या वर्णों की पहचान? तो जल्दी से कमेंट करके दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आंसर क्या होना चाहिए बताइए। चलिए देखते हैं आपके आंसर, सी ऑप्शन। देखिए, यदि आप कोई भी, आप कुछ भी पढ़ रहे हो किसी विषय के बारे में, तो वहां पर मान लीजिए हमें उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। यानी कि अर्थ का निर्माण करना, अर्थ का गहन करना, ये बहुत जरूरी होता है। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ का निर्माण करना। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और जहाँ भाई आकाश, बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, देखिए, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। सेकंड, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास। थर्ड, बच्चों को अनुशासन में रखना, या फिर बच्चों का मनोरंजन करना। तो जल्दी से कमेंट करके दीजिएगा जवाब। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है, सेकंड आंसर दीजिए। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से दीजिए आंसर। देखिए क्या आंसर आप सभी के मिलते हैं। मैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चों को कहानी सुनाई जाती है ना, और बच्चे कहानी बहुत रुचि से भी सुनना पसंद करते हैं। तो इसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वह जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। वो चिंतन करने, वो क्या कल्पना के माध्यम से क्या है, वो जैसे कि राजा परी इस तरह की कहानी सुनाते हैं ना, बच्चों को पसंद भी आती है, तो उससे क्या होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो ए फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो अच्छे से मिला है आंसर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बाकी सभी आंसर दीजिए राम आंसर, और जो भी क्लास में सभी आंसर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डेस्क, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो आपको बताना है क्या, फर्स्ट समस्याएं, सेकंड भाषा, थर्ड पाठ्य पुस्तकें, फोर्थ कमियां। तो आपको बताना है कि इसमें क्या आना चाहिए। तो जल्दी से दीजिएगा आंसर। जो आपके यहाँ पर क्या है, जो ब्लैंक दिया है ना, रिक्त स्थान, वहां पर आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, चार आपके सामने ऑप्शन, देखिए इनमें कौन सा आंसर सटीक आंसर बैठेगा। आंसर प्लीज जल्दी से दीजिएगा जवाब।
क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने थर्ड, और सभी दीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे उनकी सोच भी होती है, उनका दुनिया को देखने का नजरिया भी होता है, उनका अनुभव भी होता है, तो उसमें क्या आना चाहिए ये आपसे पूछा है, तो जल्दी से जवाब दें सही आंसर क्या होगा। आंसर प्लीज, चलिए देखिए आप सभी के आंसर क्या मिलते हैं मुझे। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि बच्चे जब आते हैं स्कूल, तो उससे पहले वो अपनी भाषा, उनकी जो मातृभाषा है, वो अपनी भाषा से अवगत होकर आते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका भाई, क्या आंसर आएगा भाई जी? यहाँ पर जिन्होंने भी दिया है मुझे, क्या जिन्होंने भी दिया है मुझे, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन वालों एकदम सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर बी को लॉक करते हैं और आगे चलते हैं। भाषा को लेकर वह विद्यालय आते हैं, तो आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है। देखिए हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है क्या? जवाब दें। देखिए क्या आंसर आप सभी के मिलते हैं। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में, यदि आप हिंदी भाषा के शिक्षक हैं, तो उसके रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? क्या भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, या सैद्धांतिक मूल्यों की जानकारी? जल्दी से कमेंट करें और बताएं आंसर। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। देखिए भाषा कौशल का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, व्याकरणिक नियमों की जानकारी और भाषा कौशल का प्रयोग करना, किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, इन चारों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, लेकिन सैद्धांतिक मूल्यों की जानकारी का होना ये सबसे कम महत्वपूर्ण माना गया है। तो राइट आंसर एकदम सही है आपका, डी ऑप्शन। ठीक है आकाश, चलिए डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी या जीवनी? तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है फिफ्थ, और इसका जवाब क्या होगा जल्दी से दीजिए आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन का सर्वाधिक अपेक्षित माना गया है? पांचवा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए साहित्य की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आत्मकथा नहीं होगा। एकांकी में क्या होता है, एक किसी एक सर्ग का वर्णन किया जाता है, तो यहाँ जो होगा जीवनी नहीं होगा काश, यहाँ राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन एकांकी। एकांकी में वर्णन होता है सुसर पठन का, क्योंकि इसमें एक ही सर्ग को रखा जाता है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। भाई क्या पूछा है कि साहित्य की किस विधा में शिक्षण के सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित होता है, क्योंकि इनमें आत्मकथा, संस्मरण और जीवनी, ये थोड़ा सा बड़ा होता है इसका रूप, लेकिन एकांकी में सस्वर पठन होता है और सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि एक सर्ग वाला होता है, कम समय लेता है। ठीक है आगे देखिएगा नेक्स्ट। वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें, जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो, यह आपको बतानी है। भाषा संसर्ग विधि, प्रत्यक्ष विधि, दल शिक्षण विधि या भ्रमण विधि? जल्दी से कमेंट करके दीजिएगा जवाब, क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है तो अच्छे से आंसर दें, जल्दी जल्दी से जवाब दें। ओके ओके आकाश, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आप सभी के सामने, जल्दी से दीजिएगा जवाब, देखते हैं क्या आंसर आप सभी का आता है। आंसर प्लीज जल्दी जल्दी से जवाब दें और देखिए सही आंसर आप सभी का। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स का ए ऑप्शन मुझे मिला। देखिए वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें, जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो, है ना? एक दूसरे के पूरक होना तो समझ में आता है ना, वह विधि कौन सी है ये आपसे पूछा गया है। अब यहां पर देखिए कौन सी विधि होगी, भाषा संसर्ग विधि, प्रत्यक्ष विधि, दल विधि या फिर आपकी भ्रमण विधि? तो यहाँ राइट आंसर मुझे मिला है बी ऑप्शन,
प्रत्यक्ष विधि, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में आता है, ठीक है, और यहाँ पर जो भी आप शिक्षण करते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो बी आंसर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, और जिन्होंने भी दिया है सेकंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा, संजय बहुत बढ़िया, आकाश एकदम सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने देखिए, किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा आधार का कार्य करती है, इस हेतु कौन सी विधि सहायक है? शब्द परिवर्तन विधि, गठन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें, और किसी भी, जब कोई भी नवीन भाषा को आप जानने की कोशिश करते हैं तो मातृभाषा का क्या करते हैं, आप एक आधार बनाकर कार्य करते हैं, एक वो आधार होता है दूसरी भाषा से जुड़ने के लिए। इस हेतु कौन सी विधि आपके लिए सहायक होगी, ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, देखते हैं क्या आंसर आप सभी का मिलता है। आंसर प्लीज, चले देखिए राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का मिला है गठन विधि, और बाकी सभी बी आंसर मुझे मिला है, ए आंसर भी मुझे मिला है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, देखिए आप देखते हैं, एक तो होती है आपकी मातृभाषा, जैसा कि आपको आधार के रूप में कार्य किया है, और किसी नवीन भाषा यानी कि नई भाषा को जानने के लिए हम क्या करते हैं भाई, उसके पर्यायवाची शब्दों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके समानार्थी शब्दों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो भाषा किसके रूप में कार्य करती है, व्याकरण अनुवाद विधि के रूप में। तो यहाँ पर शब्द परिवर्तन विधि और गठन विधि नहीं होगी, इस प्रश्न का सही जवाब होगा थर्ड ऑप्शन, व्याकरण अनुवाद। आपने देखा होगा भाई, जब भी कोई शब्द का अर्थ, मान लीजिए मातृभाषा में कुछ और किसी शब्द को बोला जाता है, तो आप उसे क्या करते हैं, और अनेक अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, और अनेक अर्थ किसके माध्यम से निकाले जाते हैं, व्याकरण के माध्यम से। व्याकरण में भी आप क्या देखते हैं कि भाई इसके पर्यायवाची क्या होंगे, उसके समानार्थी क्या होंगे, इसके विलोम क्या होंगे। तो यहाँ पर व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब है। आप बताइएगा दिक्कत हो तो, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? तो बहुत इजी है, पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर और बाइकोस्की। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या है इस प्रश्न का आंसर। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह किसने कहा है, ये आपसे पूछा गया है, तो आंसर दीजिएगा मुझे, आंसर प्लीज। तो देखिए यहां पर क्या आंसर मुझे मिलता है, तो यहाँ जो आंसर, आप सभी जानते हैं कि भाषा समाज का संपर्क, समाज के माध्यम से भाषा को ग्रहण करना किसने बताया है, कि समाज के साथ अंतःक्रिया करेंगे तो बच्चा क्या है, सामाजिक प्राणी होता है, और वो बहुत अच्छे से क्या है, अपनी भाषा को ग्रहण करता है। किसने कहा है, प्याजे ने? नहीं। किसने कहा है, बिल्कुल चौ वही क्या होगा, बाइगोस्की, है ना, बिल्कुल लेविन सिमकोविट वाइगोत्स्की, इन्होंने ही कहा है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो डी आंसर आपका क्या होगा, सही जवाब होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, या फिर भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेते हैं। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर, आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है 9, और इसका क्या होगा जवाब, ये आप सभी को देना है, तो आंसर दीजिएगा। देखिए, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, या भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, तो क्या है आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए बिल्कुल सही कहा, रटते नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि डी आंसर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया आंसर आपका। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है क्या? फर्स्ट सुंदर लिखावट, सेकंड आलंकारिक भाषा, थर्ड सशक्त वाक्य विन्यास, या फिर फोर्थ मौलिक विचार। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है 10,
और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। आंसर प्लीज जल्दी जल्दी से कमेंट करें और बताएं, आंसर दीजिएगा। चलिए तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि बच्चों के स्वयं के जो विचार होंगे, यदि बच्चा स्वयं से अपने मतलब कहते हैं ना कि स्वयं के विचार भावों को यदि अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर ले, तो वो उसका जो लेखन क्षमता है वो क्या मजबूत हो जाता है। तो बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक क्या होता है? इसके मौलिक विचार, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, मुहावरे और लोकोक्तियां सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या? मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुनिश्चित प्रयोग करना, सेकंड मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना, थर्ड मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना, या फोर्थ कोष से मुहावरा और लोकोक्तियों का अर्थ देखना। तो जल्दी से बताइएगा क्या है इस प्रश्न का जवाब। आंसर दें और बताएं, मुहावरे और लोकोक्तियां सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या? जल्दी जल्दी से आंसर दिया जाए। आप सभी आंसर दीजिएगा, सभी थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, आंसर दीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, मुहावरे एवं लोकोक्तियों को सुनिश्चित प्रयोग करना, आपने देखा होगा आप मुहावरों का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग क्या करते हैं? आप भाषा का निर्माण करने में करते हैं, है ना, इनका अर्थ बताने में थोड़ी होता है। इनका सुनिश्चित प्रयोग कैसे किया जाता है? आप अपनी बात को लोकोक्ति मुहावरे के माध्यम से कैसे शॉर्ट करते हैं, कैसे उसको छोटा बनाते हैं, ये इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी कि सुनिश्चित रूप से प्रयोग करना। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, डी नहीं होगा आकाश, सी बी नहीं होगा, अर्थ निकालने के उद्देश्य से नहीं होता। मुहावरे लोकोक्तियों को सुनिश्चित करना, यानी कि आप अपनी बात को किस तरीके से छोटा बनाते हैं ना, मुहावरे में कहते हैं ना छोटे तरीके से बात को प्रस्तुत करना, तो वहां पर अर्थ यदि आप निकालोगे तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही है, कोई बात नहीं आपके पास। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? फर्स्ट मुक्त अंत वाले प्रश्न, सेकंड बहुविकल्पीय प्रश्न, थर्ड एक शब्द के उत्तर देने वाले प्रश्न, या फिर फोर्थ सही कथन पर निशान लगाओ वाले प्रश्न। तो जल्दी से कमेंट करके दीजिएगा जवाब क्या है इस प्रश्न का आंसर। आंसर प्लीज देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 12, जल्दी से आंसर दें क्या है इस क्वेश्चन का जवाब। देखिए क्या आंसर आप सभी के मिलते हैं भाई आंसर। चलिए तो यहां पर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन बताया जाए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता की बात की जा रही है? ये ऐसे प्रश्न जिसमें बच्चा स्वयं खुलकर बोले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, बंद मुक्त, बंद में क्या होता है, बच्चे बंद में बंधे हुए होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होने चाहिए, मुक्त अंत वाले प्रश्न जिसमें बच्चा खुलकर अपने अपने विचारों को रखता है, अपनी बात को रखता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, मुक्त अंत वाले प्रश्न, यानी कि इसमें बच्चा किसी भी तौर से बंधा हुआ नहीं होता, वो स्वयं आजाद होता है और अपने विचारों को अच्छे से रख पाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए? फर्स्ट बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, सेकंड पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझाना, थर्ड बच्चों को व्याकरण सिखाना, या फोर्थ स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। तो जल्दी से कमेंट करके दीजिएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर दीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि मैंने इसमें क्या बताया है आपको, कि भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात का ध्यान देना है, पर जितने भी बच्चे हैं अलग अलग वर्ग से आते हैं, अलग अलग संस्कृति से आते हैं, तो उनको क्या मिलना चाहिए, अवसर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई, राइट आंसर जो होगा वो है फर्स्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया आकाश, चलिए अच्छे से दिया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है क्या? विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना, थर्ड विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना, या उपरोक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर दीजिएगा प्लीज।
देखिए क्या आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है, कौन सा क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है, 14, और इसका जवाब क्या होना है ये आपको बताना है। जल्दी से दीजिएगा जवाब। देखिए, विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय क्या है? तो पाठ्य पुस्तक पढ़ाने से, या फिर व्याकरण के ज्ञान को बढ़ावा देने से, या विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाने के रूप से, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका मुझे मिला है डी ऑप्शन, यानी कि ये सभी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिक अवसर देने पर क्या किया जाए? अवसर देने पर भाषा की रुचि का विकास सबसे अधिक होता है। भाई, मौखिक रूप से वो अभिव्यक्ति करेगा तो बच्चे की भाषा में सुधार आएंगे, लेकिन क्या है, हम व्याकरण का ज्ञान करा रहे हैं, बच्चों को पुस्तकें पढ़वा रहे हैं, उससे इतनी प्रतिभा नहीं बच्चे में आएगी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ना होकर थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। यहाँ ये मत सोचिए कि यहाँ पे पाठ्य पुस्तक पढ़वाना या फिर व्याकरण के ज्ञान ही कराना भाषा की रुचि में क्या है, बच्चे का विकास करेगा। नहीं, इसका थर्ड ऑप्शन, बच्चे को जितने मौखिक रूप से अवसर मिलेंगे उतना बच्चे की भाषा में विकास होगा। तो थर्ड आंसर इसका सही जवाब है। समझ में आया भाई? डी आंसर वालों बता दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है, घर से विद्यालय आने तक रास्ते में जो चीजें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, तो आप क्या करेंगे? उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगी, स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख देंगे, उसे कहेंगे कि अपने सहपाठी से पूछ कर लिखो, या फिर प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे? तो जल्दी से बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है 15, और 15 का आंसर भी आज की क्लास में स्टूडेंट का आंसर, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, आपने अपने विद्यार्थियों को प्रश्न दिया है, ठीक है, कि जब भी आप घर से विद्यालय तक रास्ते में आते हो तो आपको जो जो चीजें दिखती हैं आप उनका वर्णन करो, और आपकी कक्षा में क्या है, दृष्टिबाधित बालक है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि उसको प्रश्न के उत्तर लिखने से मना करेंगे। भाई, एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए क्या होता है कि जो हम प्रश्न कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा फेर फेर किया जाए, या कह सकते हैं कि बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उन प्रश्नों में बदलाव किया जाएगा। यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या होता है, इसका सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपके सामने है क्या, कि 16 से लेके 21 तक आपको मिलने वाले हैं प्रधान से प्रश्न, जिसको आपको पहले पढ़ना है और फिर आंसर देना है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए, बहुत छोटा सा है और समझ में आ जाएगा। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर संभलना न अखड़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट वह आता है, मिलते ना सहज ही मोती, पानी में बढ़ता गुना उत्साह, इसी हैरानी में मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये किसका है भाई? सभी को पता है, बच्चन जी की कविता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका आपको जवाब देना है कि कवि के अनुसार कौन नहीं हार सकता, जो युद्ध कला में निपुण हो, जो दमन नीति में माहिर हो, या फिर जो हिम्मत रखता हो, या फिर जो लड़ाई ना करता हो। तो देखिए, आपने देखा पहली ही लाइन में, आप धीरे, मेरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तो देखिए, पहली ही लाइन में आपको क्या मिल रहा है, आपका आंसर मिल रहा है क्या, कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 16 का डी आंसर। पर डी क्यों होगा, क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा आपने? हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, तो जो लड़ाई नहीं करता क्या उसकी हार नहीं होती? ऐसा गलत आंसर कैसे दे रहे हो आप?
भाई, जो हिम्मत ना हारता हो, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? जो हिम्मत रखता हो, जो हिम्मत रखता हो, यानी कि जो हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो सही आंसर क्या होगा? सी आंसर, डी नहीं होगा संजय जी, डी नहीं होगा। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने क्या है। चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं जाती? वह लड़खड़ाती है और तिनका ले आती है, वह खाली रहती है और फिर कण लेकर नहीं जाती, वह थोड़ी सी मेहनत से, एक सेकेंड, वह थोड़ी सी मेहनत में हार कर बैठ जाती है, वह बार बार प्रयास करती है और कण लेकर जाने में सफल हो जाती है। तो बताइएगा। हाँ बिल्कुल, आकाश सही है। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने, जल्दी से बताइए क्या होना है इसका आंसर। भाई जल्दी जल्दी से बात बताइएगा। मैंने अभी बताया था ना चींटी के बारे में, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। तो देखिए क्या है आंसर, चींटी की मेहनत वह लड़खड़ाती है और तिनका ले आती है। चलिए देखें यहाँ पर, देखिए चींटी की मेहनत इसलिए बेकार नहीं होती है क्योंकि वह बार बार प्रयास करती है। तो यहाँ आप क्यों भाई, ये डी आंसर संजय जी क्या हुआ है आज आपको? डी ऑप्शन देखो, वह बार बार प्रयास करती है और कण ले जाने में सफल होती है। तो डी आंसर इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए, गोताखोर को मोती कब प्राप्त होता है? किनारे पर बैठकर, तैरकर समुद्र में गोता लगाने पर, या मोती के सपने देखने पर? तो भाई जल्दी से बताइएगा, आंसर दीजिए, आंसर बताइएगा। आप सभी जानते हैं कि आपने क्या पढ़ा, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट वह आता है। तो यहाँ पर देखिए, वो गोताखोर को मोती कब प्राप्त होता है? जब वो बहुत सारी डुबकियां लगाता है समुद्र में गोता लगाने से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होना चाहिए? थर्ड या फोर्थ, सपने देखने से तो नहीं मिलेंगे ना मोती, तो यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी ने अच्छे से दिया है। आगे से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु शब्द का पर्यायवाची क्या है ये आपको बताना है। जलज, जलत, जल्दी, जलाशय। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या है इसका पर्यायवाची, सिंधु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर दे मुझे, जल्दी से आंसर दे और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए रखें। आंसर प्लीज। देखिए सिंधु का जो पर्यायवाची है, जलद नहीं होगा, जलद नहीं होगा, जलाशय नहीं होगा, क्या है? जल्दी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, डी नहीं होगा, जलाशय नहीं होता, जल्दी होता है, पर्यायवाची पूछा है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हमारी रगों में कौन साहस बढ़ता है? शिक्षक, माता पिता, डॉक्टर, या मन का विश्वास? तो जल्दी से बताइएगा भाई, हमारे रगों में पदांश के अकॉर्डिंग कौन साहस बढ़ता है? तो बहुत इजी है ये पदांश, इसमें गलतियां करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए गलतियां करने से बचो, क्योंकि हिंदी में ही फ्री के नंबर होते हैं। गद्यांश पदांश से नंबर चुराने जो होते हैं बिल्कुल फ्री होते हैं। ठीक है, तो आपके 14-15 नंबर फ्री के हैं, इनको अच्छे से तैयार करो, कैसे आपको भाव निकालना पड़ता है इसमें से। चलिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन मिला है मुझे, मन का विश्वास, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। चलिए शाबाश, आगे देखिएगा नेक्स्ट, पदांश में कौन सा रस है ये आपसे पूछा गया है, यानी कि ये पदांश जिससे आपने पढ़ा है उससे क्या भाव प्रकट होता है? श्रृंगार रस का, हास्य रस, करुण रस, या वीर रस? तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं राइट आंसर क्या होगा। भाई जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इस पदांश को पढ़कर कौन से रस की अनुभूति आपको मिलती है? क्या इसमें श्रृंगार, प्रेम, या रति हो रही है, या हंसी आ रही है, या बिछुड़ना हो रहा है, या वीर? तो बिल्कुल सही कहा आपने, उत्साह की प्रवृत्ति, यानी कि वीर रस इसमें प्राप्त होता है। तो डी आंसर क्या होता है? डी आंसर सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं आप। अब आपके सामने छोटा सा गद्यांश जिसमें से मिलने वाले हैं आपको क्वेश्चन, तो देखिए और बताएं। ठीक है, भाई पढ़ोगे ना तो पढ़े, जिस कवि में प्राकृतिक दृश्य और प्रकृति के
कौशल को देखने और समझने का जितना ही अधिक ज्ञान होता है वह उतना ही बड़ा कवि होता है। प्रकृति प्राय लोचन के सिवा कवि को मानव स्वभाव की आलोचना का भी अभ्यास होना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुख दुख आदि का अनुभव करता है, उसकी दशा कभी एक सी नहीं रहती। अनेक प्रकार की विकार तरंगे उसके मन में उठा ही करती हैं। इन विचारों की जांच, ज्ञान और अनुभव करना सबका काम नहीं, केवल कभी ही इनको अनुभव करने में समर्थ होता है। जिसे कभी पुत्र शोक नहीं हुआ हो उसे उस शोक का यथार्थ ज्ञान कैसे होगा, है ना? चलिए, संभव नहीं, पर यदि वह कवि है तो पुत्र शोकाकुल पिता या माता की आत्मा में प्रवेश करके उसका अनुभव कर लेता है। उस अनुभव का वह इस तरह से वर्णन करता है कि सुनने वाला तन्मय होकर उस दुख में अभिभूत हो जाता है। उसे ऐसा मालूम होने लगता है कि स्वयं उसी पर वह दुख पड़ रहा है। जिस कवि को मनोविकार और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि कभी नहीं हो सकता। अब आपके सामने है प्रश्न, देखें। जिससे प्रकृति के कौशल को देखने समझने की अधिक क्षमता होती है वह होता है क्या? अच्छा आदमी, बड़ा कवि, धनी व्यक्ति या अच्छी दृष्टि वाला? तो जल्दी से बताइएगा। हाँ प्रिया, आज इसीलिए टाइम, वो टाइम क्या, मेरे स्टूडेंट भी बहुत कम है क्लास में, क्योंकि 3 बजे का टाइम हो गया है और अभी कुछ डे के लिए आपका 15 डेज तक आपका 3 बजे का टाइम ही रहेगा। कुछ प्रॉब्लम है, 4 बजे मेरी अलग क्लासेस है तो मैं वहां पर भी क्लास लूंगी, तो 4 बजे का टाइम सेट नहीं हो पा रहा था, तो 15 डेज के लिए प्लीज मैनेज करें, फिर वही 4 बजे का टाइम हो जाएगा, ठीक है? तो आज क्लास में स्टूडेंट भी कम है बहुत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का क्या होना चाहिए आंसर। आंसर दीजिए और बताइएगा भाई, जिस कभी बड़ा, जल्दी से दीजिए आंसर। 22 का, ओहो, 22 का बी ऑप्शन भी मुझे मिल गया है, क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, कि बड़ा कवि एक अच्छा कवि होना चाहिए, ठीक है? तो सही आप सभी ने आंसर दिया। आगे देखिए गणेश, कवि का काम केवल प्राकृतिक चित्रण करना ही नहीं, उसे अभ्यास होना चाहिए किसका, मानव स्वभाव का विश्लेषण करने का, मानव की बुराइयां करने का, मानव को शिक्षा देने का, या मानव को प्रकृति से दूर रखने का। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं क्या है इसका आंसर, जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाइएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि अभी मेरी 3 बजे ही क्लासेस होगी हिंदी की, और जो हमारी CDP की क्लास, उसका टाइम चेंज नहीं है, वो 11 बजे ही है, ठीक है भाई? जल्दी से दीजिएगा जवाब, 23 का क्या होना चाहिए आंसर, आंसर दीजिएगा। आप जानते हैं कि कवि का काम केवल प्राकृतिक चित्रण करना ही नहीं, उसे अभ्यास होना चाहिए कि मानव स्वभाव का विश्लेषण करने का, कि कैसे कैसे वहां पर देखिए भाई, उसे शोकाकुल पिता का दर्द को समझा और उसे इस तरीके से व्यक्त किया जैसे कि उसका दुखों का पार उस पे स्वयं पे ही आया हो। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होना चाहिए, फर्स्ट, ठीक है? और फर्स्ट ऑप्शन ही आप सभी का मिला है। चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्य की दशा सदा एक सी रहती है, एक सी नहीं रहती है, खराब रहती है, दयनीय रहती है, तो आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। वे मनुष्य की दशा कैसी रहती है ये आपको बताना है, आंसर प्लीज, इसी में से आपका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन में, जल्दी से दीजिएगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 आंसर दीजिए। देखिए आप देखेंगे तो यहां पर तीसरी लाइन के लास्ट में उसकी दशा कभी एक सी नहीं रहती, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आप सभी के सामने, जल्दी से देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन क्या है कि कभी की विशेषता, देखिए कवि की विशेषता है कि वह शोकाकुल व्यक्ति के मन में प्रवेश कर सके, उसकी पीड़ा अनुभव कर लेता है, उसकी पीड़ा को शब्दों में बयान करता है, उसको सबकी, उसके दुख का ज्ञान कराता है या उपरोक्त सभी।
तो क्या है इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा। 25th क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आंसर बताइएगा भाई क्या होना चाहिए। तो यहां पर देखिए आपने देखा है कि एक कवि कैसे दूसरों के दुखों का अनुभव करता है और उसे किस तरीके से अपने शब्दों में बयान करता है या फिर दूसरों को उसका एहसास भी दिलाता है। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो गुण होते हैं वो एक अच्छे कवि में पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन, बिल्कुल सही कहा, डी आंसर एकदम सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने। जिसे मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का अच्छा ज्ञान नहीं है वह नहीं हो सकता। तो आप सभी जानते हैं कि हम कवि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कवि मनुष्य पशु या भगवान? तो आपके सामने एक ही आंसर होगा कि वो एक अच्छा कवि नहीं हो सकता। जो किसी के मन की इच्छाओं को ना जाने, जो प्राकृतिक बातों को ना बातों का ज्ञान ना हो, तो वो क्या क्या नहीं हो सकता, एक अच्छा कवि नहीं हो सकता। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 27। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की उठती हैं क्या? तो आपको बताना है, लहरें, भाव तरंगे, पीड़ा या इच्छाएं? तो जल्दी से कमेंट करके दीजिएगा क्या होगा इसका सही जवाब, आंसर दीजिएगा। देखिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको भाव भी निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आपने इसको गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका एक एक प्रश्न एक गद्यांश के अंदर से ही निकाल कर दिया गया है। तो देखिए, मनुष्य के मन में अनेक प्रकार से उठती है क्या? तो यहाँ पर डी ऑप्शन मुझे मिला है, इच्छाएं। इच्छाएं आपने पढ़ लिया सभी ने, इच्छा इच्छा। चलिए तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, भाव तरंगे। क्या होना चाहिए? भाव तरंगे। देखिए, अनेक प्रकार की विकार तरंगे उसके मन में उठाई करती हैं। इन विचारों की जांच, ज्ञान और अनुभव करना सबका काम नहीं होता। तो यहां पर इच्छाएं नहीं होगा, क्या होगा? बी ऑप्शन, भाव तरंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आकाश अभी तो दो और रह गए हैं, आपको उनमें से भी बताना है। मनोविकार शब्द में संधि कौन सी होगी आपसे पूछा गया है, तो स्वर संधि, व्यंजन विसर्ग या वृद्धि? तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं, मनोविकार में संधि कौन सी होगी ये आपसे पूछा गया है। तो चार आपके सामने ऑप्शन, जल्दी से कमेंट करें और बताएं सही जवाब। देखिए, मनोविकार का यदि हम संधि विच्छेद करके देखते हैं तो आपका संधि आराम से निकल कर आ जाएगा। मनोविकार में आप ये मत देखिएगा कि एक मात्रा लगी है तो उसमें गुण संधि होगी, क्योंकि गुण संधि बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें। ठीक है, कौन सी संधि है इसमें? विसर्ग। बहुत बढ़िया, मनहा जमा विकार। इसमें ओ को विसर्ग विसर्ग बनाया, यानी कि ओ को ओ की मात्रा को विसर्ग में चेंज कर दिया है और मनहा विकार विसर्ग संधि है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। यथेष्ट शब्द में समास है, कौन सा है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास? तो जल्दी से बताइएगा कि इसमें समास कौन सा है। यथेष्ट शब्द आपके सामने है और क्या होगा इसका समास ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करें और दें जवाब, आंसर दीजिएगा। देखिए, आपने पढ़ा होगा तत्पुरुष समास में क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है इसमें? प्रथम पद प्रधान ना होकर द्वितीय पद प्रधान होता है, और इसमें सबसे बड़ी बात विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो होगा ही नहीं। अव्यय भाव समास की बात करें तो अव्यय भाव समास में आप किसके आधार पे देखते हो? उपसर्ग के आधार पे देखते हो। तो यथा, यथा से ही आपका निकल कर आता है, यथा यमा इष्ट से ही निकल कर आता है कि आपका जो अव्यय भाव समास से ही इस शब्द को लिया गया है। यथेष्ट किसका है? अव्यय भाव समास का है। कर्मधारय समास में आपका विशेषण जमा विशेष्य होंगे, और बहुव्रीहि समास की बात करें तो इसमें तीसरे को तीसरे अर्थ में देखा जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, यथा यमा इष्ट, यानी कि अव्यय भाव इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30। विकार शब्द निम्न में से कौन सा उपसर्ग है? विकार में ये पूछा गया है, उपसर्ग है ये। ठीक है, उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग। तो जल्दी से बताइए, व, वी, विक या कार? तो क्या है इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करें और बताएं।
जवाब दीजिएगा। भैया आपसे पूछा है कि विकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो आंसर दीजिएगा। अच्छा, सारे उपसर्ग याद है, बहुत अच्छी बात है, तो जल्दी से दीजिए जवाब। चलिए, 30 का बी आंसर मिला है, बी जमा कार, तो आप जानते हैं बी क्या है, इसका उपसर्ग है, और यहां पर क्या हो जाता है, विकार। ठीक है, तो एकदम सही जवाब है आपका थर्ड सेकंड ऑप्शन। बहुत बढ़िया, सभी ने अच्छे से दिए हैं जवाब, तो 30 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। और मैं बता दूं कि कल से 3 बजे से ही क्लास होगी, तो और सभी को भी बोल दीजिएगा कि 3 बजे क्लास में आ जाएं, आज संख्या बहुत कम है। कोई नहीं, कल 3 बजे से लगातार 15 डेज तक 3 बजे ही क्लास रहेगी, उसके बाद 4 बजे से हो जाएगी। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। थैंक यू जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छे से आप सभी ने अपने अपने जवाब रखे हैं। तैयारी करते रहिए, टाइम बहुत कम बचा है आप सभी के सामने। ठीक है, कोई भी क्वारीज हो तो कल की क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। धन्यवाद।